Mom! Mom! Happy birthday, my son! Thank you so much, Mom! और कैसी हो मॉम? मैं अच्छी हूँ बेटा, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ मॉम। आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें पता है? जब तुम पैदा हुए थे ना, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। तुम्हें पता है बेटा, जब तुम इस दुनिया में आए थे, तुम्हें दूध पिलाने तक के पैसे नहीं थे हमारे पास। लेकिन आज देखो, वक्त कैसे बदल जाता है, पता भी नहीं चलता। मॉम, कहाँ पुराने ख्यालातों में खो गई कि दूध पिलाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन आज तो सब कुछ है ना। और मॉम, आपका बेटा अब आपके बराबर हो चुका है, और अब आपको तो ये भी बात सोच लेनी चाहिए कि जितनी हमारे पिता की संपत्ति है, उससे कई गुना ज्यादा मेरी भी संपत्ति है मॉम। बिल्कुल बेटा। और हाँ, अब तुम्हारे डैडी कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज है। अब ये तो मुझे नहीं पता कि क्या सरप्राइज है, अब होगा उनकी माया तो वही जाने। पर डैड है किधर मॉम? मुझे लग रहा है डैड किसी से फोन पे बातें कर रहे थे। और हाँ बेटा, आपके लिए मैंने आपके कमरे में अच्छे से अच्छे कपड़े निकाले, अगर नहीं पसंद आ रहे तो बाजार से जाओ, किसी बड़े से महंगे से मॉल में जाके खरीद के लेके आओ, ठीक है? अरे ये इंदु कहाँ है? इंदु, इंदु जी। मालकिन, डेकोरेशन कैसी चल रही है बर्थडे की? एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया या एकदम फर्स्ट क्लास? फर्स्ट क्लास। और हाँ एक बात और, मेहमानों का अच्छा प्रबंध किया ना? जी मालकिन। ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे इकलौते वारिस का जन्मदिन है, हमारी जान का बर्थडे है। इसके लिए तो ना जाने, अगर हमसे ये कहे ना कि माँ हमें चांद ला के दो, पूरी कोशिश करेंगे लाने की। थैंक यू सो मच मॉम, इतना प्यार करने के लिए। अरे गेट आउट, निकलो। अच्छा बेटा, एक काम करो, आज का दिन तुम खुद अपने साथ अकेले काटो। ओके मॉम। और हाँ, आज का दिन अब खुद अपने साथ अकेले काटूंगा। हाँ। पर नाइट में आप लोगों के साथ डिनर पर चलना होगा। बिल्कुल बेटा, ऐसा है, तेरे डैडी ना, पता नहीं, अब मुझे तो समझ में नहीं आता वो क्या करते रहते हैं, है कि नहीं? और हाँ, जितने भी फ्रेंड है सबको बुला। ओके मॉम, ओके ओके बेटा, ओके चलता हूँ। ओके बेटा, ठीक है, बाय मॉम, बाय, लव यू टू। डैड, गले नहीं मिलेगा, बर्थडे है भाई तेरा, तुझे हजारों साल, और ऐसी प्राउड करता रहे मुझे। थैंक यू सो मच डैड, तेरे लिए कुछ सोचा था मैंने। मॉम, बता भी नहीं थी कि तेरे पिता ने तेरे लिए कोई सरप्राइज रखा है। हाँ डैड, सरप्राइज 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 की तरह अच्छा लगता है। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हाँ? कमरे के अंदर नहीं है सरप्राइज। अरे सरप्राइज काफी बड़ा है डैड। कैसा सरप्राइज? सरप्राइज ये है कि तुम्हें अपने लिए एक प्राइवेट विला मिला है। ओह, थैंक यू सो मच डैड, लव यू, लव यू। ये उस विला के पेपर्स, और देखो हर चीज की फैसिलिटीज मैंने वहां रखी हैं, स्विमिंग पूल से लेके प्लेग्राउंड तक। 40 नौकर है तुम्हारे लिए वहां, 40 नौकर है तुम्हारे लिए, एक आलीशान बार, और प्राइवेट पार्टीज के लिए एक बहुत ही लग्जरी होटल टाइप का एक वो बनाया है रूम। वाह डैड, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतना बड़ा गिफ्ट करेंगे मुझे। ये तुम्हारी विला की चाबी, जाओ एंजॉय करो अपनी नई लाइफ को। थैंक यू सो मच डैड, अब मुझे बिल्कुल आभास नहीं हो रहा डैड कि मैं आपका थैंक यू सो मच कैसे करूं। और एक बात और, तुम्हारे लिए एक प्राइवेट पिस्टल भी खरीदी गई है विद लाइसेंस। थैंक यू सो मच डैड, जो तुम्हें उस विला को खोलने के बाद उसके ड्रॉअर में मिलेगी। डैड, मैं आज एक बात कहना चाहूँगा आपसे। बोलो। कि आपके जैसा पिता होना सौभाग्य की बात है, और मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि मेरे पिता मेरे लिए इतना सब कुछ करते हैं। ये है सब किसके लिए? तुम्हारे लिए। हम कुछ नहीं करने वाले, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे नसीब से हमें मिला। जब तुम इस घर में तुमने जन्म लिया, तब हमारे पास कुछ नहीं था, ये तुम्हारे नसीब से, तुम्हारे कदमों ने हमें इस काबिल बनाया कि हम जमीन से लेकर आसमान तक की चीज खरीद सकें। थैंक यू सो मच डैड, बस कभी हमसे दूर मत जाना। अरे हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने बेटे को नहीं। तुम हमारा गुरूर हो, अभिमान हो। और सुनो, इंजॉय करो पार्टी को। ओके डैड, थैंक यू।
बाय, टेक केयर। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जो तुमने मेरे साथ किया उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी, और ऐसा बदला लूंगी शायद किसी ने नहीं लिया होगा। अरे मेरी कॉफी आएगी या नहीं? आती हूँ मालिक। जल्दी मालिक, आपकी कॉफी। थैंक यू फॉर दिस कॉफी। अब आएगा खेल का असली मजा। अब वो चाल चली जाएगी जिसका मुझे इंतजार था। और कैसी हो तुम? तुम? अरे क्यों आए हो? क्यों आए हो? अरे तुम्हें तो प्यार करता हूं ना, तुम्हें तो पता है ना। दूर रहो मुझसे। क्यों प्यार करते हो? तुम तो उस दिन ये कह रहे थे मैं इस्तेमाल करने की चीज हूं, और इस्तेमाल कर लिया है ना, फिर ये प्यार कहां से आ गया? दोबारा लौट कर आया है? बोलो। देखो वो बातें भूल जाओ, मैं कह दूं। भूल जाओ। डोंट टच मी। हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। तुमने मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी ना, अब मैं तुमको तुम्हारी औकात तुमको याद दिलाऊंगी। समझ में आया? अरे सुरेखा, वो मेरा सामान। क्या हुआ तुम्हारे इस पैर में? मालिक वो थोड़ी मोच आ गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा तेल लगा लेती हूँ। बिल्कुल सही सोचा। ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, और जिस भी चीज की जरूरत पड़े हमें बता देना। और ख्याल रखना अपना। जी मालिक। खैर फिलहाल हम चलते हैं। इंदुमती तुम मेरे कमरे में, वो भी इस वक्त? हाँ मालिक, आपको देखा आप अकेले हैं, और ये ड्रिंक, आप तो कभी ड्रिंक नहीं करते। बस इंदुमती ऐसे ही आज थोड़ा वीकनेस सी महसूस हो रही थी तो इसीलिए मैं सोचा कि एक छोटा सा पैक ले लिया जाए। वीकनेस? हम्म, वो क्यों? बस ऐसे ही वीकनेस हो रही थी। वैसे तुम यहाँ इस समय? ये वीकनेस किसी और वजह से हो रही है? क्यों? सही कहा ना,
दे। सही बताऊँ ना तो बात ये ऐसी ही है कि जब से तुम्हें सुबह से लिखा है भूल नहीं पा रहा हूँ। तो भूलने की जरूरत ही क्या है? इंदुमती कहाँ थी तू? इसी घर में। अरे इसी घर में थी और इतने एटीट्यूड से बात? एटीट्यूड? मेरा रूम साफ हो गया? नहीं रूम साफ नहीं किया। नहीं किया मतलब? मतलब नहीं किया, इसमें मतलब क्या होता है? मेरी मर्जी, मैंने नहीं किया। ओ हेलो, तेरी मर्जी? हाँ। तू शायद अपनी औकात भूल गई कि तू कौन है इस घर की? मैं जो भी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा रूम साफ नहीं करूंगी। अपना रूम तुम खुद साफ करोगी। और हाँ, अपना करोगी तो करोगी, मेरा भी करोगी। किचन में सोने वाली सीधे बेडरूम तक पहुंच रही है? हाँ, बेडरूम तक तो मैं कब की पहुंच चुकी थी, लेकिन शायद आपको पता नहीं चला। तेरी इतनी हिम्मत, एक नौकरानी मुझसे जबान चलाती है? अभी रुक जा, अभी मचा चखाती हूँ तुझे। हाथ नीचे, अपनी हैसियत में रहो, समझ में आया? और हाँ, क्या कह रही थी मुझसे? बेडरूम साफ करो, मैं नहीं करूंगी साफ। आसिर तुम सारे बेडरूम तुम साफ करोगी। और हाँ, किचन में जो भी काम है वो सारे तुम ही करोगी। और हाँ, अभी सफाई करने के लिए पूरा तुम्हारा घर गंदा पड़ा है, वो भी तुमको ही साफ करना है। और हाँ, मेरे लिए कप कॉफी गर्मा गर्म मेरे बेडरूम में पहुंचा देना। ये अचानक इसके तेवर कैसे बदल गए? कि अचानक भीगी बिल्ली से शेरनी कब बन गई? मुझे लगता है अरुण को बताना चाहिए। अरुण? यस मॉम। और कैसे मॉम? मॉम, आपका चेहरा ऐसा उदास क्यों है? आप जब भी कभी मेरे पास आती हैं मुस्कुराते हुए, एकदम अच्छे से हम एंजॉय करके मिलते हैं। मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है, वो इंदुमती जो है, हाँ जो उसने मुझसे बदतमीजी करी। और तो और, वो मुझसे कह रही थी कि आज से सारे घर का काम तुम करोगी, और ऑर्डर देके गई है मुझे कि मेरे कमरे में कॉफी लेके आओ। और जब मैंने उसे मारने के लिए थप्पड़ उठाया तो उसने मेरा हाथ पकड़ के चटक दिया। उसकी इतनी औकात, एक कीड़े मकोड़े की बराबर नौकरानी, किचन में सोने वाली, जमीन पे सोने वाली औरत, जिसका पूरे खानदान हमारे यहाँ एक नौकर बन के रहा। वही तो बेटा, लेकिन उसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। मेरे को अचानक उसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से? अरे वो तो मेरे सामने नजर से नजर मिला के बातें नहीं करती है। अच्छा हुआ मॉम कि तुमने मुझे बता दिया। अब देखना उसकी अच्छे से खबर ले, तरीके से मैं क्लास लेता हूँ। माँ चिंता मत करो, तुमने अच्छा हुआ मुझे बताया। मैं चलता हूँ, अब रेस्ट करो। इंदुमती, क्यों री? तेरी इतनी औकात जो तू मेरी माँ पे हाथ उठाएगी? दो कौड़ी की नौकरानी, जमीन पे सोने वाली, और तेरे पूरे खानदान ने हमारे जूते चप्पल साफ किए हैं? दूर दूर हटके, आज तो कोशिश कर दी है हाथ उठाने की, अगर दोबारा से हाथ उठाया ना तो हाथ कटवा दूंगी। समझ में आया? इंदुमती, ऊंची आवाज में बात मत करो। तुमने मेरा मुंह पकड़ा था ना, इसका जवाब तो तुम्हें मिलेगा।
समझ में आया? जवाब कैसे दिया जाता है? दोबारा कोशिश भी मत करना मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की या मुझ पर हाथ उठाने की। जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादी, इसका बदला तो मैं लेकर के ही रहूंगा तुझसे। आखिरकार तेरी इतनी औकात जो तूने इस रहीस बाप के बेटे पर हाथ उठाया, एक मामूली सी नौकरानी, इसका बदला लूंगा तुझसे। डैड, डैड। हाँ वरखुरदार। वरखुरदार नहीं डैड, डैड आज मेरी इस घर में इतनी बेइज्जती हुई है कि आज से पहले किसी ने भी इतनी बेइज्जती मेरी नहीं की। किसकी इतनी औकात होगी जिसने तुम्हारी बेइज्जती कर दी? औकात? वो दो कौड़ी की नौकरानी जिसका जिसके पूरे खानदान ने हमारे जूते चप्पल साफ किए, जिसका पूरा खानदान इस घर में काम करते करते मर गया, उस नौकरानी ने आज मेरे थप्पड़ मारा गाल पे। देखो अरुण, थप्पड़ मारा? डैड आप इस बात को मामूली ले रहे हैं कि मैंने उसके साथ मतलब मैंने कोई छेड़छाड़ की? अरे अगर मैं कर भी सकता हूं तो क्या है? अरे डैड मैं अमीर बाप का अमीर बेटा हूं। देखो अरुण, 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 मेरी बात सुनने की कोशिश करो, कॉम्प्रोमाइज करो। अगर उसने तुम्हारे थप्पड़ मार दिया तो कहीं तुम मर नहीं जाओगे। और सुनो, इंदुमती से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इंदुमती अगर इस घर में नौकरानी है तो अब वो नौकरानी नहीं रहेगी। अब इस घर में नौकरानियों की बदले होंगे, नौकरानी वो नहीं रहेगी अब। अच्छा डैड, तो आपका कहने का मतलब ये है कि वो अब नौकरानी नहीं है, वो हमारे हमारी माँ है, हमारी माँ से भी ऊपर है। सारा डैड वो चलाएगी? अरे आपको गुस्सा होना चाहिए, आपको उसे मारना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए उसे। बकवास बंद करो अपनी प्लीज। माँ ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ सुरेखा। अरे नौकरानी की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं आप? देखो सुरेखा, तुम दोनों के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, वो नौकरानी थी लेकिन बट अब नहीं है। उसके साथ कोई भी तुम दोनों में से कोई भी ऐसा बिहेव नहीं करेगा कि उसको लगे कि वो नौकरानी है इस घर की। क्यों? कहना क्या चाहते हैं आप? कहना मैं कुछ नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम सुनना ही चाहती हो तो जो तुम सोच रही हो वो बिल्कुल ठीक सोच रही हो। माँ मुझे लगता है कि डैड का दिमाग खराब हो गया। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। हद ना भूल जाऊं मैं अपनी। ये तुम्हारा बेटा है, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुमसे भी कह रहा हूं, जानता हूं बेटा हूं, बेटा है इसीलिए चुप हूं। गेट आउट, जाओ अपने कमरे में। ये क्या हो गया आपको? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? इंदुमती, इंदुमती? हाँ हाँ, क्यों नहीं, उस हराम खोर का नाम तुम्हारी लफ्जों पे जरूर आएगा ना। देखो सुरेखा, एक नौकरानी के साथ अपनी अय्याशी करती, तुम्हें शर्म नहीं आई? सुरेखा चाहे मैं अय्याशी करूं चाहे कुछ भी, ये सब कुछ मेरा है। और सुनो, इंदुमती को नौकरानी की तरह ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, अब वो इस घर की मालकिन की तरह है। और तुम अपनी औकात हमेशा समझ कर रखना, बस उससे कोई गलत बर्ताव ना हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने घर को नहीं टूटने दे सकती। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने सुहाग को अपने आप से अलग नहीं होने दे सकती। और इस घर को ये अचानक क्या हो गया? अभी तक तो सब कुछ ठीक था और ये ऐसे बदल जाएंगे, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। नहीं माँ, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और हद बहुत हो चुकी है। अब इस इंदुमती का आखिरी इलाज यही है कि इसको खत्म ही कर देते हैं, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब करने के चक्कर में तेरे पिताजी। कुछ नहीं होगा माँ, मैं हूं ना, मरने के बाद तो वैसे भी अपने अपनों को भूल जाते हैं। खैर ये तो बेघर बेगानी है। आओ माँ। इंदुमती, इंदुमती, क्या है? क्या है अब? वैसे इंदुमती बात करनी थी। अरे इंदुमती कुछ माँ बात करना चाहती हैं। इधर आओ माँ, इधर आओ ना। क्या बात करनी है? इधर आओ। तेरी इतनी औकात, ना रहेगा बांस
और ना बजेगी बांसुरी। सुनिया जी, सुनिया जी, ये सब क्या है? कुछ नहीं डैड। अरे डैड छोड़ो, आज या तो यही रहेगी और या डैड डैड ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? खून? मैं पुलिस को फोन करती हूँ। माँ माँ क्या हुआ? पिताजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? एक काम करते, भाग चलते हैं। माँ नहीं, वो गन उठा। नहीं माँ, उठाना, ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम अगर भाग जाएंगे तो ये सारी संपत्ति, जितनी भी जगह, गाड़ियां हैं, पैसे हैं, माँ सब इसके लिए हो जाएगा। पागल हो गया है तुझे, इस संपत्ति की पड़ी हुई है, अपनी जान बचा। ठीक है माँ, मेरे पिताजी तो रहे नहीं, लेकिन मैं तुझे नहीं खो सकती। चल जल्दी माँ, आओ माँ। इंदुमती का इंद्रजाल।